हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वो वीडियो है, भाषण के बीच अचानक राष्ट्रपति मुर्मू को आया गुस्सा। सीजेआई और कानून मंत्री दोनों को सुना दी खरी खोटी। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो वही बात पर हैरान हो रही हूँ कि जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं वो इतनी मतलब सॉफ्टली बोलने वाली और शांत स्वभाव की लेडी हैं कि उनको गुस्सा आ सकता है, मैं बिलीव नहीं कर सकती। चलो शुरू करें। बार दिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रौद्र रूप, सामने बैठे सीजेआई को सुनाई खरी खोटी, कानून व्यवस्था पर कानून मंत्री को भी घेरा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने शायद ही कभी गुस्से में देखा होगा। तो महामहिम बेहद शांत और सौम्य स्वभाव की है तो और हमेशा आदर सम्मान के साथ अपनी बात रखती हुई नजर आती है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि मुर्मू गुस्से से लाल हो गई। फिर तो सामने बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर नए नवेले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तक को खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, सीधे तौर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए भी संदेश जारी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि महामहिम को गुस्सा आ गया। चलिए विस्तार से आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल हाल ही में देश की राष्ट्रपति मुर्मू झारखंड गई थी। यहाँ पर उन्होंने हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंच पर राष्ट्रपति मुर्मू के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मौजूद थे। इतना ही नहीं, इस दौरान मंच पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस भी मौजूद थे। तो हुआ ये कि राष्ट्रपति मुर्मू को पिछले काफी वक्त से न्याय व्यवस्था को लेकर शिकायत मिल रही थी। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अदालत से फैसला होने के बावजूद लागू होने में देरी होती है। बस इसी को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोग मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं कि मैडम फैसला तो हुआ लेकिन जो चाहिए था वो नहीं हुआ। इसी को लेकर द्रौपदी मुर्मू ने गुस्सा जाहिर किया और सभी को जमकर फटकारा। गुड, बिफोर आई कंक्लूड आई से समथिंग। मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट और बहुत सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरे है, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे और उनको मिलता नहीं। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला इसीलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसिलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविजन है कि नहीं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया लेकिन मुझे
जो मिलना चाहिए मिला ही जो नहीं। जस्टिस मिलना चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूर साहब से चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है बहुत सारे लोगों को पता नहीं। उन्होंने बोले कॉन्टेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कॉन्टेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही मायने में जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं ये तो बनाना चाहिए थोड़ा। बिल्कुल, उनको तो न्याय मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गुड, मेरे पास Good. तो पहुंच नहीं पाते अभी, पहले तो पहुंच पाते थे लेकिन मैं भेज देती थी और कहां गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जो जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए, जाए तो कहां जाए। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। बिल्कुल, मैं इसी के साथ माय बेस्ट विशेस विल बी विथ यू इन ऑल योर एंडेवर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से आम जनता के बारे में सोचा और फिर बड़े जजों के सामने उसे रखा, उसने देशवासियों का दिल जीत लिया। बयान सुनने के बाद देश की जनता उनकी तारीफ कर रही है। बहरहाल, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वेरी नाइस, उन्होंने सच्ची में उनको सुनाया है क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास आते हैं, मैं भेजती हूँ, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मैं आप लोगों के पास उनको बोलती हूँ कि जाके आप बात करो, फिर वो गायब हो जाते हैं। मतलब उनको कभी जस्टिस मिलता ही नहीं, वो लूज होप कर लेते हैं। वो सोचते होंगे कि हम लोग प्रधानमंत्री तक पहुँच गए, इतने हाई पोस्ट पर गए, उसके बाद भी नहीं होता, अब हमारे पास कुछ नहीं है। और इतना मतलब दुख की बात है कि जैसे वो बता रही थी कि कितने सालों साल लग जाते हैं एक जस्टिस लेने में, और जब वो जस्टिस उनको मिलता है, जजमेंट मिलती है और वो खुश होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि खुशी जो है 2 दिन की है क्योंकि उसके बाद भी जो जस्टिस मिला है, जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। मतलब अगर आपकी किसी घर के से रिलेटेड था और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया नहीं घर आपका ही है, फिर भी आपके पास घर ही नहीं आपको मिल रहा है, फिर भी आप अटके हुए वही, और वो फिर वो कह रहे हैं कि अगर फिर से कुछ करना पड़ता है, लग रहा है वो कह रहे हैं फिर से आप करो, तो वो कह रहे हैं उसमें फिर से आपको 10-20 साल, इतना कौन कर सकता है यार, वो ना हो तो फिर 10-20 साल, ये थोड़ी को, तो उनको गुस्सा आ रहा था, वो यही कह रही थी। और कह रही थी मैं भेजूंगी आप लोगों के पास, वो ये इवन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनको भी कह रही मैं आपके पास भेजूंगी, अब आप करो उनके लिए काम। तो शी वॉज एंग्री कि ये बहुत गलत है, या कोई तरीका आप ढूंढो जिससे ये ना हो। जैसे मैं जो हूँ, वो कह रही थी कि मैं क्या करती थी कि जब हम लोगों ने कुछ फाइनल हो गया है उसके बाद फिर वापस जाके रिविजिट करते थे कि जो हमने बोला है वो इम्प्लीमेंट हुआ भी है, वो फैमिलीज अब कैसे रह रही हैं, उनकी अब जिंदगी कैसी है। तो ये आप लोगों ने अगर किया है तो आपको भी ऐसी कुछ बनाना चाहिए कि आप जाके देखो कि जो हमने वर्डिक्ट दिया था उसके हिसाब से उनको मिल गया कि नहीं। ऐसी कोई ग्रुप बनाओ या कुछ बनाओ और जाके आप चेक करो, और नहीं हुआ हो तो फिर आप एक्शन लो जिन्होंने करना चाहिए था और नहीं किया। वेरी नाइस, बड़े प्यार से बोला था वैसे उन्होंने, पर गुस्सा भी था, थोड़ा सा नजर आ रहा था कि वो क्रिटिक कर रही थी, थोड़ा इंसल्ट भी किया है उन्होंने इन लोगों का कि आप कर क्या रहे हो, खाली जस्टिस देना, वो भी इतनी लेट के बाद, आपका काम डन नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल से उन्होंने पहले भी इस पॉइंट को रेस किया था किसी और स्पीच में, मुझे याद है किसी और स्पीच में उन्होंने यही कहा था, इतना डिटेल में नहीं कहा था, मगर कहा था कि जस्टिस लोगों को नहीं मिल रहा, मगर अब तो पूरा क्लियर किया कि जीतने के बाद भी जो चीज जीते हैं वो मिलती नहीं है। अगर किसी का पता लगा कि वो इलीगल है तो वो तोड़वाते हैं नहीं, मतलब जो भी डिसाइड होता है कि अभी तुम जीत गए वो गलत था तो करो ना, उसके बाद कुछ वो होता ही नहीं है, कुछ नहीं।
तो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया है, और वो स्पेशली उन्होंने मूवमेंट देखा कि सब बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या कोई भी नहीं, और कहां बंदा जाएगा उसके ऊपर, तो आप ही को करना है। अब वो कह रही है कि पहले मैं बड़े सारे आते थे केसेस, अब नहीं आते, अब लोगों को देती हूँ आगे गायब हो जाते हैं, मगर अभी भी मेरे पास हैं कुछ, वो तुम्हें भेजूंगी। और वो कह रही है मेरे पास काफी लोग अभी भी आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, देखा मतलब राष्ट्रपति के पास भी जाना चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वो वहां से प्रेशर बना के सुन भी रहे करवा देंगे वो, एंड वो अवेयर भी हैं और वो उस बात को आगे बोल भी रही हैं जब उनको मौका मिल रहा है कि इसको करो, एक टाइप से वार्निंग दे रही है। द टॉप मोस्ट पोजिशन में प्रेसिडेंट आपको बोल रहा है, मतलब डांट तो भैया आपको पड़ रही है, काम ठीक नहीं हो रहा है। अमेजिंग यार। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।